बाबा को वापस आने के लिए बोलिए ना, समझाइए ना बाबा को, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विभा, मैं आज के बाद उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जिस दिन तुम मेरी पूरी बात सुनने को तैयार हो जाओ। शायद उस दिन तुम समझ पाओ कि आज जो मैंने निर्णय लिया है वो सही था या गलत। आइए दादा, देखिए टेरेस पे क्या मस्त हवा चल रही है। अरे अब तो मुस्कुराइए, दोनों भाई साथ साथ रहेंगे। आज घर में इतनी बड़ी बात हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ और तुम हो कि प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें इस वक्त जरा भी ख्याल है कि आई किस हाल में होगी, बाबा की बातें सुनकर उन पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन तुमको ये सब बताना यानी कि पत्थर पर अपना सर फोड़ने जैसा है। संकेत, मैंने प्रॉपर्टी मांगी, उसमें गलत क्या है? रोहिणी, तुम्हें नहीं लेकिन मुझे अपनी आई की चिंता है और बहुत चिंता। आई एकदम अकेली हो जाएंगी और आप तो जानते ही हैं कि वहिनी उन पे किस तरीके से। मैं जानता हूं रोहिणी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, अच्छी तरह से जानता हूं। बेटा, मैं भी तो नहीं चाहता कि तुम्हारी आई किसी परेशानी का सामना करे। बाबा, इसीलिए तो मैं कह रही हूं अभी भी देर नहीं हुई है, आप चाहे तो वापस। आई दरवाजा खोल। आई क्या हुआ, दरवाजा खोल ना। आई दरवाजा खोल। अरे रोहिणी, मैं कब से आई को आवाज दे रहा हूं लेकिन आई दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या आई? दक्ष, दक्ष, जलने की बू। जलने की? विभा, दक्ष दादा कुछ बता क्यों नहीं रहे? आई दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? दक्ष तू प्लीज जाकर देखो ना। दक्ष तुम जाओ। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ये हमारे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे। वहिनी प्लीज, ऐसे वक्त पे आप ऐसी बातें मत कीजिए। अभी कहा ना दक्ष, तुम लोगों में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा,